जय श्री राधे, जय श्री राधे। परीक्षित महाराज, आप विलंब ना करें, व्यास जी महाराज नदी पर विराजमान है। आपसे अनुरोध है परीक्षित महाराज, आप जल्दी आ जाएं, कथा में आओ और ज्यादा विलंब ना हो। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज, आप जल्दी आ जाएं, कथा में विलंब ना हो। परीक्षित महाराज, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और आज डीजे की व्यवस्था क्या हुई है, बारात वाली आ रहे हैं, उनको डीजे चाहिए भाई। प्रारंभ करें क्योंकि समय का भी ध्यान रखें, विलंब ज्यादा ना हो। और सही घड़ी में देखकर 2 बजे डीजे लगा दो। अगर रास्ते में आपको 1 घंटा लगेगा क्योंकि रुकमणी विवाह है, 2:50 पर होगा लगभग, 3 बजे के लगभग। तो बारातियों से अनुरोध है, समय का ध्यान रखें, रात्रि ना होने दें टीका के लिए। और गोला बारूद की साई किसने बांधी थी भाई? अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी को दी गई है, एक बार आकर मिल लें। सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, नाम ध्यान अभी नहीं आ रहा है कि गोला बारूद की जिम्मेदारी किसकी थी। एक बार फोन कर लें और अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करें। आप शेख से एक बार कमेटी वाले संपर्क कर लें, उनका भी फोन लग नहीं रहा है, और अपनी व्यवस्थाएं को बनाए रखें।
श्री राधे। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम। बस सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान के मंगलमय आरती होने जा रही है। हरे ओम ज्वालामाले नमः, रत्नेश्वरे नमः। हेलो हेलो, जय राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम चंद्रमा मनोजो जायत श्रोत्रादिश्रायश्मघादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ शांतिरंत शांति हे पृथ्वी शांति राभ।
शांति रोग देह शांति ही वनस्पति शांति श्री देव शांति ब्रह्म शांति ही द्रगुण शांति ही शांति रेव शांति ही श्यामा शांति रेदी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और महाराज जी को जो लेके गाड़ी आई थी पार्किंग में, वहाँ अव्यवस्थित खड़ी है उस गाड़ी को, पार्किंग कार्यकर्ता वहाँ पर है, आपकी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह सुनिश्चित है, फोर व्हीलर की जगह और टू व्हीलर की जगह, तो पार्किंग में भी व्यवस्था सहयोग करें। जो भाई गाड़ी लेकर आए थे कृपया अपनी गाड़ी अलग लगा लें। और एक और गांव में निवेदन है, भगवान की कृपा से जिन लोगों के पास फोर व्हीलर हैं, आपके पास बहुत ही बड़ी कृपा भगवान की है कि आपके पास फोर व्हीलर है, कृपया बारात आएगी उसमें आप लोग लगा लें। और अंकुल जेसीबी वाले आप भी अपनी गाड़ी को लगा लें। जय श्री राधे। और व्यास जी से अनुग्रह करेंगे कि आज की पावन कथा में हम सभी श्रद्धालुओं को भव्य हो कर दें और आनंदमयी कथा का वर्णन श्री मुख से करें श्री व्यास जी महाराज। जय हो। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोल रावण हरि लाल की, बोल राघवेंद्र सरकार की, खिरादि हनुमान जी महाराज की, हरि Yeah.
भागवत महापुराण के अंतर्गत आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने किस प्रकार से गोवर्धन नाथ का पूजन कराया और अपनी पूजा की अवज्ञा मानकर आज देवराज जैसे ही क्रोधित हुआ और मेघ संपर्कों के द्वारा ब्रजमंडल पर जिस प्रकार से वर्षा की और भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज को धारण किया है और जैसे ही देखा कि सात दिन सात रात पर्यंत तक इतनी विकराल वर्षा होती रही और जैसे ही तुमने आकर देखा कि ब्रज में तो धूल ही उड़ रही है, वहां उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कल यह कथा आप सब लोगों ने श्रवण की। समस्त संत भगवानों के श्री चरणों में प्रणाम करती हुई मंच पर आसीन सभी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करती हुई और भागवत कथा में सहयोग करने के लिए मधुरमय संगीत की ध्वनि को बिखर रहे हमारे बड़े भैया सभी साधन जय जय श्री राधे। भागवत कथा में प्रवेश होने से पूर्व पांच बार भगवान नाम का आश्रय, उसके बाद जैसे भी प्रभु की इच्छा होगी कथा को श्रवण कर पाएंगे। Oh,
और आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को समझाते राजा। और जैसे ही इंद्र ने आकर के भगवान से अनुनय विनय की प्रार्थना की तो भगवान अब इंद्र से बोल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इंद्र ने कहा उस प्रकार से आप क्रोधित क्यों हैं भाई, हमारे द्वारा जो गलती हुई है उसका हम पश्चाताप आपसे कर रहे हैं, आप हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा कि इंद्र हम तुम्हारे द्वारा किए हुए गलती को जरूर माफ कर देते हैं, मगर हमारे जो ग्वाल वालों को जो कष्ट तुमने दिया है उसको हम नहीं भूल पा रहे हैं। जब इंद्र ने कहा कि प्रभु ऐसी गलती आप कभी नहीं होगी, आपके भक्तों को हमारे द्वारा कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा, तो भगवान ने कहा कि हमारे गलती को तो हम माफ कर देते हैं मगर हम अपने भक्तों की गलती कभी भी माफ नहीं करते, क्योंकि भक्तों का जो अपराध है उसे हमारे द्वारा सहन नहीं होता। और आज इंद्रदेव भगवान को प्रणाम करते हुए जैसे ही गए हैं तो आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं आकाश मंडल से सुरभि गाय वहां उपस्थित हो गई और आकर के गाय माता ने भगवान का दूध से अभिषेक किया मैया। और जैसे अभिषेक भगवान का किया तो भगवान का नाम आज से गोपाल हो गया। अरे गोपाल भगवान की जय हो। और गाय ने जैसे अभिषेक किया और भगवान से कहा कि प्रभु हम गाय और ब्राह्मणों की दीनों की रक्षा तो आपके हाथ में है, आप जब रक्षा करते हैं तभी तो हम बच पाते हैं, तभी तो हमारी रक्षा हो पाती है, साधु संतों की आपसे ही तो डोर लगी हुई है। तो भगवान ने बहुत भोर भोर प्रशंसा करते हुए गाय माता को वहां से विदा किया। और आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन भगवान पितामरात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका बेच रंदुमन चक्र योग माया उपाश्रिता। आज भगवान जैसे ही वृंदावन की इस पावन भूमि पर आए हैं मन में विचार किया कि जी गो बालों की जो गोपिकाएं हैं उनका मन हमसे बहुत लगा हुआ है, उनका स्नेह हमसे जुड़ा हुआ है, क्यों ना इनकी मनोरथों को पूर्ण किया जाए। और जैसे ही भगवान ने अपने मन को गोपिकाओं के साथ विहार करने को बनाया है तो सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान पितामरात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु की पूर्णिमा को भगवान ने वीक्ष रंदु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता सुंदर सी बांसुरी बजाई। और जैसे ही उस बांसुरी के द्वारा जो निनाद भगवान ने छेड़ा है, बांसुरी के द्वारा मानो अपने प्रेमी को भगवान बुलाना चाहते हैं, कैसी बांसुरी बजाई है वीक्ष रंतु मनश्चक्रे सारे गोपिकाओं के मन को मोहित करने वाली आज भगवान ने बैलों निनाद किया है। और जैसे ही गोपिकाओं ने देखा कि बेणू के माध्यम से भगवान प्रत्येक गोपिकाओं का नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। और जैसे ही बेणू को निनाद को सुना है और जो गोपिकाओं घर में गृह कार्य को कर रही हैं उस कार्य को छोड़ करके जाने लगी। और आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं
कोई गाय को दुग्ध दो रही है तो उसने दूध को दोहना बंद कर दिया। सीधी जिस बाड़ू भेड़ों की निनाद को श्रवण किया, बंसी की कलरव जैसे उसके श्रवण पड़ी है, छोड़ करके चली गई। और कोई भगवान के भोग लगाने के लिए हलवा आदि बना रही है तो कढ़ाई को चूल्हे पर ही छोड़ करके चली गई, करछुली हाथ में ले ही चली गई माधव के यहाँ। इस प्रकार से भगवान ने जब देखा कि गोपिकाएं हमारे ओर चली आ रही हैं, तो लिम पत्या प्रमजन्तन्यो अन्यन्याकाश लोचने, कोई बैठी बैठी श्रृंगार कर रही है। और जैसे ही बेड़ू के माध्यम से सुना कि बेड़ू में हमारा नाम लिया जा रहा है, मुझे माधव बुला रहे हैं, एक आंख में ही काजल लगा पाया है और दौड़ करके चली गई है। और सुखदेव जी कह रहे हैं, ग्रह को छोड़ करके जैसे ही भगवान के पास में गई, आधी रात्रि का समय है और भगवान ने देखा तो स्वागत करने लगे। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणिगा प्रजस्यानामहं कश्चिद् भ्रूतागमन कारण। स्वागतम सुस्वागतम, आइए। और अब तो गोपिका प्रसन्न हो रही है, भगवान ने मुझे बुलाया है तो हमारा स्वागत कर रहे हैं, मुझे हमारा अभिवादन कर रहे हैं। और सारी गोपिकाएं भगवान के सामने खड़े हो गई हैं, टकटकी लगा करके माधव को देख रही हैं और वह बेणु निनाद को श्रवण कर रही हैं। और गोपिकाओं की भीड़ लगी चली आ रही है। ऐसी मनोहर बंसी आज तक किसी ने नहीं बजाई, ऐसी मनोहर बंसी जो ऐसा लग रहा है कि भक्ति को भगवान से जोड़ने वाली बंसी हो। तो गोपिकाएं गा रही हैं, तेरी बंसी पे जाऊं बलि और हार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलि हार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दर हार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दर हार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दर हार रसिया। Yeah.
जय श्री राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और आज जैसे ही गोपिकाएं दौड़ दौड़ करके भगवान के बैलों के निनाद को सुनकर के दौड़ती हुई चली आ रही हैं, और जैसे ही दौड़ करके आए तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम हो महामहो, आइए स्वागत है। और स्वागत पूज करने के बाद भगवान कहने लगे, अरे देवियों यह बताओ इतनी रात्रि को आप क्यों आए हो। जब यह कहा कि इतनी रात्रि को क्यों आई हो, राजन ने सा घोर रूपा घोर सत्वम निसेविता। रात्रि काल के समय स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और आप इतनी रात्रि काल में क्यों आई हो। अब गोपियां सब स्तब्ध खड़ी है, कोई जवाब नहीं दे रही है। भगवान कह रहा है, ओ हो विचार आया, आपने शायद शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन नहीं किया। तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आए हो क्या, आपने अंधकार रूपी रात्रि को देखा नहीं है। गोपियां फिर भी कुछ नहीं कह रही हैं। जब इस प्रकार से बार बार भगवान कहने लगे तो गोपियों से उन्होंने कहा कि हम सबको छोड़कर के तुम्हारे चरणों में आए हैं, और आज आप मुझे पूछ रहे हो क्यों आए हैं। तो भगवान ने कहा, सब कुछ क्या छोड़ करके आए हैं। बोले, मैंने आपके चरणों में प्रेम लगाया, आपसे मिलने के लिए ने अपने घर परिवार वैभव सब कुछ छोड़ दिया, और आज हम आपके चरणों में आए हैं। तब आप कह रहे हैं क्यों आए हैं। पहले तो हमारा नाम ले लेकर के आपने अपने बंसी के माध्यम से मुझे बुलाया, और आज आप कारण जानना चाहते हो। भगवान ने कहा, देवियों रात्रि काल में सुशील स्त्रियां कभी निग्रह नहीं करती हैं। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भाई हमारा कहीं बाजार में जाते हैं तो घड़ा खरीदते हैं तो उसको भी ठोक ठोक कर देखते हैं कि नहीं ठोक ठोक कर देखते हैं। उसी प्रकार भगवान कहना चाहते थे, हमारा सच्चा भक्त होगा तो हमारी परीक्षा में वह पास हो जाएगा, और वह हमारे हमसे सच्चा प्रेम नहीं करता होगा तो हमारी परीक्षा में वह पास नहीं हो पाएगा। आज भगवान बार बार मानो उन्हें उलाहना दे रहे हैं कि देवियों स्त्री का तो एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना, और उसके लिए कोई धर्म नहीं होता, और आप सब लोग अपने पति को छोड़कर के चले आए हो। जब इस प्रकार से कहा तो सारी गोपियां भगवान के मुंह की ओर देख रही हैं। उनमें से एक गोपियां कहने लगी, प्रभु आप ही ने तो हमारे नाम का स्मरण किया और मुझे बुलाया, और आज कह रहे हो क्यों चली आई हो। पहले प्रेम का स्वांग किया है और आज हम सब कुछ छोड़ करके चले आए, तो अब आप मुझसे पूछ रहे क्यों आए हैं। रूदा गमन कारण, अब आने का कारण पूछ रहे हो। तो भगवान ने कहा, हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं देवियों। इस प्रकार से अपने स्वामी को छोड़ करके आना अपराध होता है। जो पतिव्रता स्त्री होती है वह अपने स्वामी की आज्ञा के बिना तनिक भी कहीं नहीं जाती। एक भक्त थे, भगवान बता रहे हैं, और उसकी भारिया पतिव्रता थी। सुबह वह जाते थे जंगलों से लकड़ी ला करके बीचते थे और आकर के अपने घर परिवार को चलाया करते थे। मगर देवियों वह पुरुष जैसे ही अपने घर पर आता तो उसकी पत्नी दौड़ करके दौर तक आकर के उसे जल प्रदान करते, और जल दे करके उसका शुश्रूषा करती, उसकी सेवा करती, उसे नहलाती पहनाती धुलाती स्नान कराती।
और आज वह गोप जैसे ही जंगल से आया, दिन भर का हारा थका आकर के उसने भोजन खाया और अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। भगवान समझा रहे हैं गोपियों को। और तब तक क्या होता है, उसका एक छोटा सा 6 वर्ष का बच्चा खेलता हुआ चला आ रहा है। अग्निहोत्री का आकार उनके घर हुआ करता था, रोज अग्नि जला करती थी। और उसका 6 वर्ष का बच्चा जैसे ही उस अग्निकुंड के पास में आया तो उस माता का हृदय कांपने लगा। क्या है, बोध बालक है, क्या जाने क्या अग्नि होती है। और वह अग्निकुंड के पास में चला आ रहा है, मन कह रहा है कि दौड़ करके बच्चे को उठा लो, मगर भगवान कह रहे हैं कि उसके मन में भाव आया है कि दौड़ करके अपने बच्चे को उठाएंगे तो हमारे स्वामी देव जग जाएंगे। और भगवान कह रहे हैं वह बालक खेलते खेलते उस अग्निकुंड में गिर गया। और जैसे वह बालक अग्निकुंड में गिरा है, उस माता ने अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया, प्रभु अब आप ही बचा सकते हो। बार बार मन में चल रहा है कि अग्निकुंड की तीव्र ज्वाला से हमारा बच्चा बचने वाला नहीं है। और जैसे ही स्वामी की नेत्र जब खुले हैं, दौड़ करके देखा तो अग्निकुंड में उसका बच्चा किलोले कर रहा है, खेल रहा है। यह पतिव्रता का महत्व होता है। और आप जैसे अपने परम पूजनीय पतियों को छोड़कर के हमारे पास में चले आए हैं, चले जाइए यहाँ से। जब इस प्रकार से बार बार कहा कि चले जाइए यहाँ से अपने स्वामी के पास में, तो गोपियां कहने लगी, प्रभु आप जैसी कहानियां हम भी कई जानते हैं, हमारा मन आपसे जुड़ा है। तो भगवान ने कहा, तुम भी जानती हो? बोले हाँ, मैं भी सुनाती हूँ।